वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गेमिंग्स पर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं तुम बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो अपनी MP40 एंड थोड़ा बहुत रिकॉल कंट्रोल कैसे कर सकते हो। एंड ये प्रॉब्लम हर प्लेयर के साथ होती है, अगर तुम न्यू हो ओल्ड हो, बट अगर तुम MP40 एकदम स्टार्टिंग में अभी अभी चलाना चालू की है तुमने, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है यार। तुम अगर MP40 पहले से चला रहे हो अभी से चला रहे हो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये प्रॉब्लम जरूर से सबके साथ होती होगी। एंड आज की इस वीडियो में उसका एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ। देखो मैं डायरेक्ट ट्रिक्स बताऊंगा या कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसे तुम प्रैक्टिस करोगे, अगर डेली या ट्रेनिंग राउंड ज़्यादा खेलोगे तो तुम्हारी MP40 कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगी। सो चलो तुम्हारा टाइम वेस्ट बिना कि हम चालू करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अगर कोई भी चैनल तो भी जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दिया करो यार, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दिल गार्डन गार्डन कर देने वाले कमेंट जरूर से कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी तुम बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। एंड आज मैंने YT स्टूडियो खोला एंड उसमें देखा 30% लोग हमारे चैनल पे ऐसे हैं जो वीडियोस डेली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर तुम उन 30% लोगों में से एक हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अब चलो तुम्हारा टाइम वेस्ट बिना कि हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में। फिलहाल यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने स्टैचू है। अब ये चीज़ मैंने अपने बहुत से पहले के वीडियोस में बता दी है, बट आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर तुम्हें MP40 अपनी अच्छी करनी है तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो अब तुम थोड़ा ध्यान से देखना कि मेरा एम को देखना तुम। यहाँ पे देखो मैं क्लोज और स्लोमो करके तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा जो एम है वो बंदे पे, बंदे से मतलब ड्रैग करने से पहले मेरा एम बंदे पे नहीं था, मेरा एम बंदे के थोड़े आसपास पे था। एंड तुम्हें भी यही सेम चीज़ करनी है, एम अपना बंदे पे नहीं रखना है। पहले तो देखो तुम, मैं देखो पहली चीज़ ऐसी मैं ट्रिक्स बताता ही नहीं हूँ जो अगर मुंह पे बंदा है तो उसके सामने अपने को करनी पड़े मतलब एम वगैरह लेना, बट आज किस वीडियो में बता रहा हूँ। बट अगर ऐसा तुम जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में स्टैच्यू के सामने थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा इस ट्रिक पे। एंड तुम हर गन से ऐसे ही करोगे तो काफ़ी अच्छी जाएगी। तो अब तुम मेरा स्पेशली एम देखना, मेरा जो एम है वो बंदे के ऊपर नहीं है, बट जैसे कि मैं ड्रैग करने जाता हूँ मेरा एम अपने आप बंदे के हेड पे चल जाता है। मतलब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो एम हेड पे जा ही रहा है एंड बहुत कम वाइट नंबर दे रहा है। तुम यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं स्लोमो करके आराम से तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एम बंदे पे है ही नहीं, मैं जैसे ही ड्रैग किया मैं ड्रैग करके अपने आप एम बंदे के हेड पे चल गया। एक तरीके से एम बॉट जैसी चीज़ है। तो ये बहुत सारे बाहर के यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, मोबाइल पीसी सारे वाइट एफएफ वगैरह जितने भी यूट्यूबर्स तुम देखते हो बाहर के अच्छे खासे बड़े बड़े, तो सारे लोग यही एक ट्रिक यूज़ करते हैं एंड इससे वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। एंड इस ट्रिक को अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब मान के चलो एक दिन में 10 मिनट भी तुम ये चीज़ MP40 से कर ले रहे हो ट्रेनिंग ग्राउंड में, वो भी स्टैच्यू पे, तो तुम्हारी MP40 बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी, ओनली रेड पकड़ेगी। सो गाइस ये थी मेरी ट्रिक नंबर वन एंड इसको एक बार तुम ट्राई करके जरूर देखना। भले ही 10 मिनट भी अगर तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर इस ट्रिक को यूज़ करते हो ना तुम्हें काफ़ी फायदा मिलेगा एंड MP40 तुम्हारी एक हद तक इंप्रूव हो जाएगी। मतलब एकदम ईजी पीज हो जाएगा तुम्हारे लिए ड्रैग करना। पहली चीज़ से ये होगी कि तुम्हारी ड्रैग की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर तुम बंदे पे अपना एम रख के ड्रैग करते हो तो तुम्हें फायर बटन थोड़ा ऐसे खींचना सा पड़ता है, बट इसमें तुम्हें उतना फायर बटन नहीं खींचना पड़ेगा क्योंकि तुम बंदे पे तुम्हारा एम रहेगा ही नहीं, तो तुम क्या ही खींचोगे फायर बटन उतना। सो बंदे के आसपास एम रखने से तुम्हारा ड्रैग भी इतना फास्ट हो जाएगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा एंड ईजी भी हो जाएगा तुम्हारे लिए ड्रैग करना भी। एंड अगर तुम ये करते हो तो इससे तुम्हारे रेड हेड भी बहुत अच्छे खासे जाते हैं, हेड हेड एकदम रेड रेड फुल एकदम हेड पे जाएगा, एकदम गॉड लेवल हैकर से बन जाओगे तुम। सो एक चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम हमारी ट्रिक नंबर टू पे। सो गाइस ट्रिक नंबर टू पे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ क्लिप दिखा दे रहा हूँ एंड उसके बाद हम बात करते हैं। तो पहले तुम देख लो क्लिप्स कुछ। सो गाइस इन क्लिप में तुमने कुछ चीज़ें नोटिस की होगी जिन लोगों ने नहीं की तो मैं उन्हें बता देता हूँ इस क्लिप में था क्या। सो एक्चुअली इस क्लिप में मैं वन टैप ट्राई कर रहा था MP40 से। अब MP40 से वन टैप ट्राई करने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, तब तुम लोगों को भी सेम चीज़ करनी है, MP40 से वन टैप ट्राई करना है। बट यहाँ पे सीन आ जाती है कि MP40 की एक गोली से सामने वाला कभी मरता नहीं है, तो हमको एटलीस्ट 3 गोली मारनी पड़ जाती है। अगर 3 गोली मारते हैं, 3 से 4 गोली अगर ओनली रेड इन हेड हम मारते हैं तो हो जाती है। अब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं मतलब राइज स्टार ले लो या बाहर के जितने भी साइबलस हो, वो सब लोग यही ट्रिक यूज़ करते हैं रिकॉल कंट्रोल करने के लिए, कुछ कम गोलियाँ चलाते हैं। एंड ये सिर्फ तुम MP40 से नहीं तो ये चीज़ से तुम UMP से भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गन्स है SMG की, थॉमसन वगैरह, जिससे भी तुम्हें ट्राई करना है चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखने की, तुमको 3 से 4 गोली चलना है। जैसे बर्स्ट मोड ऑन होता है ना किसी भी गन का, तुम अगर कोई दूसरी गेम खेली होगी कभी ऐसी बैटल रॉयल, तो उसमें बर्स्ट मोड ऑन होता है, तो बर्स्ट मोड टाइप तुम्हें चलानी है गन्स। सो ये सिंपली तुम्हें करना कुछ नहीं है जो MP40, अगर तुम
कभी वन टैप ट्राई किया होगा तुमने, मतलब ट्राई ना भी किया हो तो कभी कभी तुक कैसे लग जाता है वन टैप MP40 का, तो उसी तरीके से तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है स्टैचू के सामने MP40 की वन टैप की। अगर तुम वन टैप की प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा अपने आप जो है बर्स्ट टाइप की MP40 चलाना तुम अपने आप ही सीख जाओगे। सो डेली स्टैचू के सामने थोड़ा बहुत बर्स्ट मोड पे वन टैप ट्राई करो, MP40 से ट्राई करना बेशक, अगर तुम MP40 से इस चीज़ को सीख जाते हो तो बाकी गन से तो तुम सीख जाओगे, अपने आप सीख जाओगे। क्योंकि अगर तुम MP40 अच्छी चल रहे तो यार बाकी समझी तुम चला ही लोगे अच्छी खासी, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने ज़्यादातर बंदों को देखा है अगर वो MP40 अच्छी चलाते हैं तो SMG भी उनकी बाकी सारी SMG भी काफ़ी अच्छी होती है। सो चलो MP40 ट्रिक तो मैंने तुम बता दी MP40 का, बढ़ते हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जिससे तुम अपनी MP40 इम्प्रूव कर सकते हो। सो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं MP40 वाले सेक्शन में। अब तुम्हें सबसे पहले एक ऐसी गन की स्किन लगानी है जिसका फायर रेट डबल हो, या अगर सिंगल फायर रेट वाली भी कोई MP40 की स्किन है तुम वो भी लगा सकते हो, बट MP40 विंटरलैंड एक तरीके से बीस्ट स्किन है, मतलब बेस्ट स्किन है अगर तुम MP40 की मेरे से पूछो। डबल फायर रेट है, एक्यूरेसी थोड़ी कम है, बाकी डैमेज वैमेज उतना कोई फर्क भी पड़ता है ऐसे है नहीं। अगर डबल फायर रेट के ही यहाँ पे देखो खेल यहाँ पे पूरा होता है फायर रेट का, फायर रेट और अगर डैमेज, अगर कोई ऐसी स्किन आ जाए जिसका फायर रेट डबल है और डैमेज भी डबल है तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी इंसेन हो जाएगी। एंड विंटरलैंड MP40 में डैमेज तो डबल नहीं है, बाकी फायर रेट डबल है। सो तुम विंटरलैंड MP40 यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे पास है। एंड तुम्हें मैं ये भी बता दूँ कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कैसे यूज़ कर सकते हो MP40 विंटरलैंड को। तो अगर तुम्हारे पास है MP40 विंटरलैंड जिसमें फायर रेट डबल है, या कोई दूसरी भी स्किन है जिसमें फायर रेट डबल या सिंगल है, तो उस स्किन को इक्विप करके रखना, क्योंकि काफ़ी काम आती है। एक इलेक्ट्रॉनिक MP40 भी है, कोई इलेक्ट्रिकल MP40, उसका भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा हेड जाता है, तो अगर किसी के पास वो भी होगी तो इक्विप कर लेना एक बारी को। कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं कि MP40 विंटरलैंड ही रखनी है, अगर विंटरलैंड नहीं है तो तुम किसी दूसरी स्किन को भी इक्विप कर सकते हो। एंड यहाँ पे फिर बात आती है कि रेट ऑफ फायर वाली स्किन को ही इक्विप करना है कि बिना रेट ऑफ फायर वाली स्किन को भी कर सकते हैं। तो अगर स्किन में डबल डैमेज है एंड उसके पहले तुम डिफॉल्ट यूज़ करते थे, मतलब अगर तुम विंटरलैंड MP40 यूज़ नहीं की हो आज तक, या तुम्हारे पास है नहीं, या कोई डबल फायर रेट वाली स्किन है ही नहीं, तो डबल डैमेज वाली स्किन लगा लेना। एंड एक्यूरेसी उतने कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो डबल रेट ऑफ फायर है यार, डबल तो एक्यूरेसी क्या ही मैटर करेगी। बट अगर हाँ ऐसी कोई गन है जिसमें डबल डैमेज है बट एक्यूरेसी बिल्कुल ही नहीं है ना रेट ऑफ फायर, तो वो थोड़ी सी सीन हो जाएगी उस गन से, तो उसको ना यूज़ करके अगर विंटरलैंड MP40 तो यूज़ कर लेना। बाकी स्किन उतनी मैटर करती नहीं है, बट अगर आपके पास होगी विंटरलैंड MP40 तो लगा लेना, बाकी उतनी मैटर नहीं करती है, स्किल्स ही मैटर करती है। डिफॉल्ट पे बंदे अच्छे मैंने देखे हैं डिफॉल्ट पे हेड मार जाते हैं, न्यू अकाउंट से ही आके हेड मार जाते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अब मैं तुम्हें बताते हूँ अगर तुम्हारे पास विंटरलैंड MP40 नहीं है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो गाइस अगर तुम्हारे पास MP40 की कोई सी भी गन स्किन नहीं है तो तुम्हें सिंपली करना कुछ ना, अपना फायर बटन का साइज कर देना छोटा। यहाँ पे अगर मैं एक यूनिवर्सल साइज तुम्हें बताऊँ तो 33% या 30 रख लो। 33 इसलिए बोल रहा, 35 भी बोल सकता था, 33 इसलिए बोल रहा ना क्योंकि 30% पे अच्छा खासा ड्रैग होता है, बट जिन लोगों का हाथ 30% पे बैठता नहीं, मतलब बहुत छोटा लगता है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम कम फायर बटन का साइज इसलिए नहीं रखते क्योंकि हाथ नहीं सेट होता, तो भाई एक हफ्ता लगता है, एक हफ्ता भी नहीं मैंने बहुत बोल दिया, एक दिन मुश्किल से दो दिन लगते हैं भाई हाथ सेट होने में। अगर तुम दो दिन भी खेल रहे हो ना ट्रेनिंग कस्टम कुछ भी एक ही फायर बटन की पोजीशन या साइज में, तो तुम्हारा हाथ अपने आप सेट हो जाएगा। एंड 30% तो यूनिवर्सल साइज है, बाकी तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे वो तुम रख सकते हो, बस कम रखना, 50 से नीचे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ जो चीज़ मैं बोलूँगा, देखो ऐसे कहीं पर मत रख देना सिट वगैरह, एंड सिट वगैरह थोड़ा साइड करके फायर बटन को राइट साइड नीचे में रखा करो यार, ये मतलब बेस्ट चीज़ है, ये बेस्ट चीज़ है, इससे तुम एक बार ड्रैग करके देखना, क्योंकि ना राइट साइड में सेंसिटिविटी बहुत होती है गेम की, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तुम भी ट्राई करना, राइट साइड पे नीचे में गेम की सेंसिटिविटी अलग लेवल होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर राइट साइड पे तुम नीचे पे अपनी फायर बटन रखते हो तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल हो जाती है, तो एक बार ट्राई कर सकते हो, तुम इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो क्या, एक बार करके देखना। एंड अगर फिर तुम्हारे पास स्किन भी नहीं भी है स्किन तो भी तुम्हारी MP40 काफ़ी बढ़िया चलेगी। सो एंड दूसरी चीज़ मेरे को और एक बतानी है, बाय बाय भी नहीं बोलूँगा, दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा पाउडर लगा लेना ज़रूर से, अगर MP40 अच्छी चलानी है फ़ोन में तो पाउडर ज़रूर से लगाना है, अगर पाउडर नहीं लगाओगे तो बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा तुम्हें। सो पाउडर ज़रूर से लगाना है, सेंसिटिविटी सारी के सारी 100 करके रखना, ठीक है। सो गाइस आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, टाटा सायो नारा।